किस्मत जुरअत ओ हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से संघ परिवार ने एक मरतबा फिर हमला किया है मुस्लिम तलबा पर, और उसके अलावा किस तरह एहतजाज की एक नई सूरत निकाली है एक जाट लीडर ने, उसकी मैं तफसीलात रखूँगा। और कश्मीर में आखिर हो क्या रहा है? फोर्स कहती है कि हमने दहशतगर्दों को मारा, जंगजुओं को मारा, आवाम कहते हैं कि आम लोगों के खून से खेला जा रहा है, खून की होली खेली जा रही है, शहादतें हो रही हैं। सारी तफसीलात रखता हूँ। फ्रांस से इंग्लैंड जाने वाले तारिकीन वतन की कश्ती में हादसे का शिकार हुआ है, बहुत भयानक हादसा पेश आया, सैकड़ों अफराद के जो है हलाक होने की खबरें हैं। तो सऊदी अरब में इकामे की कम अज़ कम मुद्दत के कानून पर अमल दरामद शुरू करने की बात सामने आ रही है। तो दिल्ली के आर के पुरम इलाके में जहरी गैस के फैलाव की वजह से क्या कुछ हुआ, अमेरिका और तालिबान के दरमियान में बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होने की खबर भी सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँ से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि करना क्या है आप लोगों को। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के साहली इलाके को तो आप जानते हैं कि कितना हसास इलाका है, बिलखसूस मंगलुरु और उसके आसपास के इलाके पुत्तूरु, बेलतंगड़ी और सूरतकल, यहाँ पे ऐसे मामलात पेश आते रहते हैं और यहाँ हिंदुत्व के गुंडे बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है दहशतगर्दी पर उतर आए। अभी हम लोगों ने कोडागू ज़िले की वो सारी तफसीलात रखी थी आप लोगों के सामने कि सिर्फ़ एक बुरख़ा देने की वजह से किस तरह यहाँ के लोगों ने जो है एक खातून को मारा, एक तालिबा को मारा। इवनी इसी की तरह का भी एक मामला पेश आया है पुत्तूरु के कोम्बेट्टू कॉलेज में। एबीवीपी के कारकुनान और संघ परिवार के कुछ गुंडों ने मिलकर के जो है यहाँ पर पुत्तूरु कोम्बेट्टू कॉलेज में ज़ेर तालीम कुछ तलबा पर हमला कर दिया और मनसूबा बंद साजिश के तौर। और अफसोसनाक बात यह है कि जो हथियार के पूजा के नाम पर कुछ त्यौहारों में जो त्रिशूल बांटे जा रहे हैं बजरंग दल की जानिब से और दीगर हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से, उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन हथियारों को अब मुसलमानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। या नाज़रीन गिरामी, इसी बात की पूरी तफसीलात फराहम की है SDPA की जानिब से, जिन्होंने जो है खुसूसी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज जिस तालिबीन ने मुस्लिम तालिबीन को ज़ख्मी किया गया था उससे मुलाकात की, मिजाज पुरसी की, जिसमें SDPI के रियासती सेक्रेटरी रियाज फिरंगी पेटे और ज़िला सदर बकर कुलाए और इसके अलावा अनवर सादात जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा सुहेल खान और शाकिर, ये सारे के सारे लोगों ने जो है जो ज़ख्मी मुसलमान हैं जो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं उनसे मिजाज पुरसी किया। उन्होंने इस मौके पर प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि इधर तीन मामले पेश आए, तीनों मामले में त्रिशूल के ज़रिए से मुस्लिम तलबा पर हमला करने की खबरें सामने आ रही हैं। इससे साफ़ और वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि किस तरह इस वक्त जो देवी देवताओं के हाथों में होने वाली निशानी को मुसलमान पर हमला करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और बजरंग दल VHP के लोग इन त्रिशूल को बांट रहे हैं और नफ़रत का बाज़ार गर्म कर रहे हैं, जिसके चलते मनसूबाबंद तरीके से साजिश के तहत कॉलेज में मुस्लिम तलबा पर हमले हो रहे हैं। ये कहते हुए SDPI के कारकुनान और SDPI के लीडर ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस सिलसिले में जो है तहकीक की जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए, बज़िस्ते दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज करना पड़ेगा। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है हथियार की पूजा के नाम पर हथियार जो बांटे जा रहे हैं अब वो मुसलमानों पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उसकी ताज़ा मिसाल ये जो पुत्तूरु कोम्बेट्टू के कॉलेज में पेश आया जिसमें मुस्लिम नौजवान को ABP के कारकुनान ने संघ परिवार के गुंडों के साथ मिलकर के जो है हमला किया था। ये हालात है नाज़रीन गिरामी जो है मंगलुरु के साहली इलाकों की। आइए वहीं पर नाज़रीन गिरामी, एहतजाज करने के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। ऐसे ही चंडीगढ़ में एक जाट लीडर ने अपनी बेटी की शादी के इनविटेशन कार्ड में साफ तौर पर लिख दिया कि मेरी बेटी की शादी में किसी भी तरह से कोई RSS का लीडर, BJP के लीडर, दूसरे कोई भी शरीक ना हो। दरअसल ये एक एहतजाज था जिसकी वजह से जो है उन्होंने इस तरह से लिखा। ये विश्ववीर जाट महासभा के रियासती सदर
और जय जवान जय किसान के मजदूर कांग्रेस के साबिक जो लीडर बल्कि सदर राजेश धनकर ने ये खसूसी आह्वान पत्रिके बनाया है, यानी कि इन्विटेशन कार्ड बनाया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा, उनके इस तरह लिखने की वजह से जो है ये इन्विटेशन कार्ड पूरी तरह सुर्खियों में आ गया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 1 दिसंबर को मेरी बेटी की शादी है, बीजेपी आरएसएस और बीजेपी के कारकुनान हरगिज़ हरगिज़ इसमें शरीक ना हो, ये आपसे अपील की जाती है। तो नाज़रीन ग्रामीण एहतजाज करने का ये भी तरीक़ा होता है। हमने इससे पहले भी सीए एनआरसी के मौके पर और अलग अलग एहतजाज में देखा कि किस तरह शादियों में भी लोगों ने जो है नो सीए नो एनआरसी कह करके दुल्हा दुल्हन को एक कार्ड पकड़ते हुए देखा गया था, ये उसी तर्ज का एहतजाज भी रकम किया गया है। नाज़रीन ग्रामीण, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है समझ में नहीं जा रहा। अभी कुछ दिन पहले जो हंगामा आराई हुई आम शहरियों को मुठभेड़ में मारने के बाद, जबकि फोर्स का दावा है कि वो दहशतगर्द थे, जंगजू थे, मिलिटेंट थे, जबकि आम आवाम ने कहा कि उनका जो है किसी भी तंजीम से कोई वाबस्तगी नहीं थी, बल्कि उनकी बेटी का बयान यहाँ तक आया कि जो है फोर्स उनको मारने के बाद हंस रही थी और इंसानियत को शर्मसार कर रही थी। अब आइए, सबसे पहले जो दावा किया गया है फोर्स की जानिब से, मैं वो रिपोर्ट आपके सामने रखूँ कि रामबाग चौक में बुध की सहपहर मुख्तसर फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने 3 जंगजुओं की हलाकत को दावा किया। ये वाकया सहपहर तकरीबन 5 बजे पेश आया। उस वक्त रामबाग में गाड़ियों और लोगों की भारी भीड़ थी और छापरी फरेशों के आगे भी बड़ी तादाद में लोग खरीदारी कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि महलुकीन में पाइन शहर का अस्करी कमांडर मेहरान भी शामिल है, जो ईदगाह इलाके में 2 टीचरों की हलाकत में मुलव्वस था। पुलिस ने बताया कि कुछ जंगजुओं के हरकत और सकनात के बारे में उन्हें मुसद्दिका तौर पर इत्तला मिली, जिसके बाद रामबाग क्रॉसिंग, बरजला पुल और बागात चौक में नाके लगाए गए और मशकूक गाड़ियों की चेकिंग की जाती रही। बताया गया कि सोलाना की तरफ से रामबाग पुल पर क्रॉसने आने के बाद नीले रंग की एक वैगनार गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वापस फायर किया गया और जवाबी कार्रवाई में शूटआउट के दौरान 3 मिलिटेंटों की हलाकत हुई। पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बात की तस्दीक की गई कि रामबाग इलाके में मुख्तसर शूटआउट में 3 अस्करियत पसंद मारे गए, जिनकी शनाख्त की जा रही है। वाक़े के फौरन बाद सड़क सुनसान हुई और सोलना के अलावा बाजला और बागात के अलावा नई पोरो चौक में गाड़ियां रोक दी गई और 3 मिलिटेंटों की लाशें पुलिस कंट्रोल रूम पहुँचाई गई। नाज़रीन ग्रामीण, ये पुलिस का बयान है, लेकिन जो महलुकीन हैं उन लोगों का मानना है कि आम आदमी थे, कार से उनको ज़बरदस्ती निकाला गया और पुलिस फोर्स की जानिब से बग़ैर किसी वजह के उन पर शूट कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामीण, इस वीडियो को सुने जिसमें एक खातून कह रही है कि आखिर कब तक इस तरह आम आवाम को मारा जाता रहेगा, किस तरह आम शहरियों को इस तरह से जो इस पर ये करते रहेंगी। एक चैनल के ज़रिए से मिली इस वीडियो को हम आपको दिखा रहे हैं। तो नाज़रीन ग्रामीण, आवाम की जानिब से, ख़वातीन की जानिब से फोर्स पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आम आवाम को जो है ज़बरदस्ती उन पर ज़ुल्म सितम किया जा रहा है, उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, और उधर पुलिस फोर्स का मानना है कि वो जंगजू थे जिसको जो है मुठभेड़ में मार दी। तो नाज़रीन ग्रामीण, इधर कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में पेश आ रहे इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद और ये रिश्ते हुए खून की तस्वीरें और अल्लाह से आहोबुका करती हुई ख़वातीन और उनके चेहरे और फिर आँखों से निकलने वाले आंसू एक तरफ है, तो दूसरी जनब यहाँ पर जो है पुलिस फोर्स और फोर्स का अलग दावा है। आप यकीन करें तो भी किससे करें, लेकिन तस्वीर और ज़मीनी हकीक़त है वो आपको स्क्रीन पर दिखने वाली तस्वीरें और मासूम चेहरे और रोने वाले आंसू बता देंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है। आइए नाज़रीन ग्रामीण, आपको ले चलूँ एक और ख़बर की जानिब, और वो अफसोसनाक खबर आ रही है फ्रांस से कि फ्रांस से बरतानिया जाने की कोशिश के दौरान तारिकीन वतन कश्ती डूबने के वाक़े में हलाकतों की तादाद 27 हो चुकी है, जबकि 26 तारिकीन वतन को बचा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तारिकीन वतन की कश्ती को हादिसा क्लाइंस की शिमाली बंदरगाह के साहिल पर पेश आया। तारिकीन वतन की कश्ती बुध के रोज़ फ्रांस से इंग्लैंड जाने वाले इंग्लिश चैनल रोबा इंग्लिस्तान को बुर करते हुए हादसे का शिकार हुई। फ्रांसीसी जहाज ने पानी में बेहोश अफराद और लाशों को तैरता देखा, इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ किया। मकामी हुकाम ने बताया कि तलाश में हिस्सा लेने के लिए 3 हेलीकॉप्टर्स और 3 कश्तियों को तैनात किया गया है। फ्रांसीसी वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि फ्रांसीसी कश्ती जहाज ने पानी में बेहोश अफराद लाशों को तैरता देखा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ किया। नाज़रीन ग्रामीण, आपको तो मालूम है कि तारिकीन वतन का
किस कदर इस वक्त बहरान है, बेहतरीन ज़िंदगी की तलाश में बड़े बड़े समंदरों में अपने बोट के ज़रिए से पार करने की कोशिश करते हैं, न जाने अब तक जब से मशरक़ वस्ता कहें या वो अफ्रीकन ममालिक जहाँ पर इस वक्त खाना जंगी जारी है, वहाँ से कूच कर जाने वाले या बेहतर ज़िंदगी की तलाश में निकलने वाले कितने लोगों को ये समंदर के पानी ने निगल लिया है। और अफसोस का मकाम यह है कि इतने बड़े बड़े हादसात पेश आ रहे हैं और एक एक कश्ती डूबने की वजह से सैकड़ों अफराद डूब जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपने शहर छोड़कर के दूसरे शहर जाने का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। हज़ारों के लाखों की तादाद में लोग अभी भी मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक की सरहदों पर पनाहगुजीन कैंपों में बसे हुए हैं। और आपको बताता चलूँ, जो सबसे अफसोसनाक मामला ये है कि इन तारिकीन वतन में सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की है और सबसे बड़ी तादाद मशरक़ वस्ता की, वो खाना जंगी का शिकार मुल्कों से है जिस पर ज़बरदस्ती अमेरिका और यूरोपियन ममालिक ने जंग थोपे रखा है। ऐसे में ये कि आप मुल्कों को वापस लौटते हैं तो भी मारने वाला वही दुश्मन है और इसी दुश्मन से डर कर के भाग रहे हैं तो उसी दुश्मन के चुंगल में फंसने की कोशिश करते हैं तो बीच समंदर में डूब करके मर जाते हैं। ये हालात है, ये मुसलमानों का वो हकीकी बहरान है नाज़रीन गिरामी, जिससे आज पूरी दुनिया आँखें मूंदी हुई है। ये तो कुछ ख़बरें हैं निकल कर के सामने आ जाती हैं। बसूरत दूगर इंसानी स्मगलरों के अलग अलग बड़ी बड़ी कश्तियाँ होती हैं। मसलन यूँ समझिए कि 50 से 60 अफराद उसमें दाखिल हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि वो आपसे वादा करता है कि आपको इस गांव से बेहतरीन शहर की तरफ ले जाया जाएगा और इसमें ख्वाब दिखाए जाते हैं यूरोपियन ममालिक, यूनान के, तुर्की के और इसके अलावा अमरीका के, फ्रांस के। तो जाहिर सी बात है कि ये वो अपनी सारी पूंजी उन इंसानी स्मगलरों के हवाले कर देते हैं और वो कश्ती जो 60 अफराद को उठा सकते हैं उसमें 300 से 400 अफराद को भर लिया जाता है पैसों के लालच में। और बीच समंदर में जब कश्ती डगमगाने लगती है तो आसपास कोई नहीं होता, न मंजिल ही मिलती है और ना ही इंसान उसमें ज़िंदा बच पाता है। और अफसोस का मकाम यह है कि इसमें 75 से 80% मुसलमान होते हैं। ये इंसानी बहरान है नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने कहा, जो मुल्क आपके मुल्क में घुस करके खाना जंगी को बपा कर रखा है, आप उसी मुल्क की जानिब जाना चाहते हैं जो जालिम है, जो कातिल बना हुआ है। अकलमंदी क्या है आप खुद अंदाज़ा लगाएं। ये मामले लगातार आते रहते हैं, चूँकि फ्रांस में पेश आया है मामला, इस वजह से यूरोपियन ममालिक के बड़े बड़े अखबार में सुर्खी आ गई। बसूरत दूगर यूनान की जानिब से धकेले जाने वाले, तुर्की तो हर दिन इस तरह के सैकड़ों लोगों को बचा लेती है जिसमें से कुछ डूब जाते हैं, कुछ ज़िंदा बच जाते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, और वो ख़बर है सऊदी अरब में इकामे की कम अज़ कम मुद्दत के कानून पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जी हाँ, सऊदी वजारत दाखिला, वजारत इंसानी वसाइल व समाजी तरक्की ने 3 माह की बुनियाद पर तारिकीन वतन को इकामे की फराहमी के नए कवानीन का इतलाक शुरू कर दिया है। नए कवानीन के तहत रेसिडेंसी परमिट यानी इकामा की तौसी में कम अज़ कम इजाफा 3 माह के लिए किया जाएगा। और सऊदी अरब की सरकारी खबर रसा एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस इकदाम का इतलाक कौमी इंफॉर्मेशन सेंटर की डेटा और मस्नूई जिहानत अथॉरिटी के तआवुन से किया गया है। ये अमर काबिना की जानिब से किए जाने वाले फैसले की रोशनी में मुकम्मल किया गया है। सऊदी काबिना ने अपने एक इजलास में वर्क परमिट से मुंसलिक इकामे की कम से कम मुद्दत 3 माह तक बढ़ा देने का भी फैसला किया था। इस फैसले में घरेलू मुलाजिमीन और दीगर को मुस्तस्ना करार दिया गया है। इस नए निज़ाम के तहत आजिर वर्क परमिट से मुंसलिक इकामे की फ़ीस अदा करके उसमें 3, 6 या 9 माह के लिए भी तौसी करा सकेगा। इससे कबल सिर्फ 12 महीने या 1 साल की तौसी की इजाज़त थी, जिसकी वजह से आपको बड़ी रकम अदा करनी पड़ती थी। अब आप सिर्फ 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए भी जो है उस वर्क परमिट को या दीगर किसी भी चीज़ में जो है उस साथ यानी तौसी करके जो है वहाँ फिर आप मज़ीद दिन रह करके दूसरा कोई जॉब भी ढूंढ सकते हैं। इससे बहुत सारी आसानियाँ भी पैदा होंगी कम खर्चे में, ये मानना है जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं इस नए इस्लाह की वजह से। नाज़रीन गिरामी, कौमी राजधानी दिल्ली के आर के पुरम के एकता विहार में आज बहुत ही अफसोसनाक खबर आई कि जहरीली गैस फैलने से लोगों के आंखों में अचानक जलन महसूस होने लगी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। इत्तिलात मौसूल होने पर फौरी तौर पर पुलिस ने 5 लोगों को अस्पताल पहुंचाया। ज़िला मजिस्ट्रेट ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया। 2 एम्बुलेंसेस भी मौके पर रवाना की गई। पुलिस के मुताबिक हालात फ़िलहाल काबू में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहरीली गैस के इखराज का यह वाक़ा बुध की शब तकरीबन 9 बजे पेश आया था, जिसकी वजह से हालात जो है और लोगों में दहशत और वहशत देखने को मिली। नाज़रीन गिरामी,
तालिबान अमेरिका से लगातार जो है मुंजमद असासों को खोलने की बात कर रहा है, मुतालबा कर रहा है, लेकिन अमेरिका हठधर्मी पर है और किसी भी तरह से ताउन करने से इनकार करता रहा है। अब ये खबर आ रही है कि अमेरिका और अफगान तालिबान के माबेन जो मुकालमत तातुल की शिकार हुई थी, अगले हफ्ते से दोबारा कतरी दारुलहुकूमत दोहा में शुरू हो जाएगी। इससे उम्मीदें जाहिर की जा रही कि कुछ आसानियां पैदा हो सकती हैं अफगानी आवाम के लिए। अमरीकी महकमे खारिजा के मुताबिक फ़िलहाल इन मुज़ाकरात में तालिबान के साथ कौमी अहमियत के कई उमूर पर बातचीत के लिए दो हफ्ते का वक्त रखा गया है। इन मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और अफगानिस्तान को दरपेश इंसानी बहरान और उसके मुमकिन हल को मरकज़ी अहमियत हासिल रहेगी। दोहा मुज़ाकरात के इस नए दौर में अमरीकी वफद की क़्यादत अफगानिस्तान के लिए अमरीका के खसूसी मंदूब थॉम्स वेस्ट करेंगे और इस तरह से जो है ये महसूस किया जा रहा है कि इन मुज़ाकरात के आगाज़ की वजह से तालिबान हुकूमत के लिए कुछ राहत होगी, बिलखसूस अफगानी आवाम के लिए जो वहाँ के असासी मुंजमद होने की वजह से यहाँ पर सरकारी काम भी ठप पड़े हुए हैं और आवाम की बुनियादी सहूलियात भी तालिबान की जानिब से पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं, सिवाय उन ममालिक के ताउन के जो इस वक्त अफगानिस्तान की जानिब हाथ बढ़ाए गए हैं। बैकअप नाज़रीन ग्राम में मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अजीमत जुर्अत ओ हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अत ओ हिम्मत का है इजहार सीधी बात, ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,